ग्वालियर में पुलिस ने अपार्टमेंट में क्रिकेट सट्टा खिलाने वालों पर छापेमार कार्रवाई की, जहां से पुलिस ने 12 सटोरिये सहित अवैध हथियार, करोड़ों का हिसाब किताब बरामद किया। दरअसल ग्वालियर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मुरारा थाना क्षेत्र में आने वाले बड़ा गांव स्थित एक अपार्टमेंट में क्रिकेट सट्टा खिलाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए सभी सटोरियों से पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही लाइसेंसी राइफल के लाइसेंस भी निरस्त करने के लिए ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिखा है। ये जैसा कि ग्वालियर पुलिस और स्पेशली क्राइम ब्रांच लगातार जो संगठित अपराध है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कल भी हमें सूचना मिली थी कि मुरार थाना क्षेत्र में बड़ा गांव जो हाईवे है उसके पास एक सोसाइटी में बड़े स्तर पर सट्टा खिलाया जा रहा है। क्योंकि अभी एशिया कप भी समाप्त हुआ, कुछ काउंटी क्रिकेट भी चल रहे, तो उन्हीं को लेके इन्फॉर्मेशन भी थी कि वे एक बड़ा ही संगठित ग्रुप यहाँ पर बड़ा सट्टा चला रहा है। क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी कोऑर्डिनेटेड वे में, हमारे दोनों डीएसपी हैं और टीआई साहब और सब लोगों ने कोऑर्डिनेटेड वे में एक साथ रेड की, तो 3 अलग अलग फ्लैट्स में 12 लोग मिले। उनमें से जो 2 फ्लैट्स में वो सट्टा खिला रहे थे और तीसरे फ्लैट में कुछ जुआ की कार्रवाई उनकी चल रही थी। तो इस तरीके से जुआ और सट्टे की दोनों की कार्रवाई एक साथ वहाँ पे देखी गई थी और उनके पास से लगभग 40 मोबाइल, 1 लैपटॉप और 1 राइफल जो मौके से हमने वहाँ से